हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज श्वेता यास्मीन, वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। जी हाँ, आज जो मैं बात करूंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्रिकेट की दुनिया में बड़ी तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं, और ये तब्दीलियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के हवाले से नहीं है, बल्कि क्रिकेट बोर्ड में भी बहुत तेजी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। तमाम इन तब्दीलियों को आज प्रोग्राम में शामिल करूंगी, और थोड़े से मेरे अपनी जो राय है वो भी यहाँ पर मैं शामिल करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। चलिए जी, बात करना शुरू करते हैं। क्रिकेट में तब्दीलियों का अमल बड़ी तेज से जारी है, और किसको कौन सा उधा मिलने वाला है, तो ये अभी तक जो है ये टेंटेटिव है, और अभी इस पर इतना कोई फाइनल डिसीशन नहीं लिया गया, और ले भी लिया गया है तो अभी उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि जी सिलेक्शन कमेटी के रुकन जो आकिब जावेद को मुस्तकबिल में हेड कोच बनाए जाने के बाद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जाने का भी इम्कान है। तो ये तो एक अंदर की खबर है कि मे भी ये हो और मे भी ना हो। इसके अलावा नदीम खान साहब जो इनकी जिम्मेदारियां बदली जाएंगी, और जिन्हें डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट का ओहदा दिया जाएगा। और इसके अलावा ये कहते हैं कि दूसरी जानब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेलेक्टर्स को भी गैर मुल्की दौरों पर भेजने का इरादा कर लिया, यानी कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि कौमी सेलेक्टर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरे में साथ होंगे, प्लेइंग 11 के साथ। तो ये एक चीज़ है, और साथ साथ बात यहाँ पे नहीं रुकती है, ये तो बात मैंने यहाँ तक की है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक चीज़ है वो ये है कि जब मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान, यानी कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे थे, तो मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें बुलाया और उनकी मीटिंग हुई, और वहाँ पर उन्होंने उन्हें अप्रिशिएट भी किया, और साथ में उन्होंने कहा कि जी वहाँ जाना, एक मिल के खेलना, मुतहद होके खेलना। तो वो मुझे ज़रा सा ऐसा लगा सुन के जैसे लड़की को ससुराल नहीं भेज रहे होते, कहते वहाँ जाना, तब से मिल के रहना और मिल के बनाना, और फिर कहना चाहिए कि बहुत चाइल्डिश सा एक स्टेटमेंट था। ये बात नहीं की गई कि स्ट्रेटजी अच्छी रखनी है, और आपको गेम किस तरह से खेलना है, आपको क्या स्ट्रेंथ अपनी यूज़ करनी है और किस चीज़ को हाईलाइट करना है। बस ये कहा गया कि जी आप जो है मिल के रहिएगा, मिल के खेलिएगा ताकि फतह मिल जाए। तो इसका मतलब ये है कि इनके स्टेटमेंट से एक चीज़ जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि शायद क्रिकेट टीम के अंदर अंदरूनी मामला भी कोई इतने ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब को इनको ये स्टेटमेंट देना पड़ा। बात है कि मोहम्मद रिजवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तीन चार बातें कहीं, वो तीन चार बातें जो मैं आपके सामने रखूंगी। पहली बात तो ये थी कि उनसे फखर जमान के हवाले से कहा, पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उस हवाले से मैं तो कुछ नहीं कर सकता, यानी उन्होंने अपने हाथ उठा लिया। जबकि उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है इससे पहले कि जी जब भी कोई चेंज आता है या जब भी कुछ होता है तो उसमें वो उनका हिस्सा होता है, उनसे मशवरे पहले भी किए जाते थे, उनसे मशवरे आज भी किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये, और वो कैप्टन है, तो मेरे ख्याल से फखर जमान के हवाले से वो बात कर सकते थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद उनसे बात की गई इंडिया के हवाले से, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, उसके हवाले से बात की गई, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि तमाम ममालिक जो है वो शिरकत करेंगे, और इंडिया के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि वो अला मालिक है। तो उनसे पूछा गया, तो उनका एक गेस्ट बड़ा अच्छा था, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान आए, और जब हम वहाँ गए थे तो उन्होंने बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दी, तो अगर वो यहाँ पर आएंगे तो हम भी उनको उससे ज़्यादा प्यार देंगे और मोहब्बत देंगे, जिस तरह से उन्होंने हमें सराहा हम भी उनको सराह लेंगे। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव कहना चाहिए कि उन्होंने अपना एक इम्प्रेशन बड़ा पॉजिटिव छोड़ा वहाँ पर। इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान ने एक बात और भी कह डाली, और वो ये कह डाली, क्योंकि देखें जब होम ग्राउंड पर जीते तो होम ग्राउंड पे जितना उनके लिए इससे मुश्किल नहीं था, क्योंकि पिच आपने अपनी मतलब की बना ली थी। आपने कहा जी आकिब जावेद साहब का जो आइडिया था वो बिल्कुल कामयाब हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो है वो पिच हमारी मतलब की नहीं होगी, और आकिब जावेद साहब के हाथ से बाहर की बात है ये, वहाँ की पिच तो उनके बस में नहीं। साथ साथ आपने वहाँ पर ये बात भी कह दी, और उसके साथ जो दूसरी बात आपने कह दी वो ये कह दी कि हम पूरी कोशिश करेंगे, बड़ा मुश्किल है, टफ है। इसका मतलब ये कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, आपको ये भी पता है कि अपने मुल्क में तो पिच अपने हिसाब से करके आप लोगों ने उसको अपने हिसाब से मौसर बनाया और आप जीत गए, लेकिन वहाँ जाके आप लोग क्या करेंगे वो आप भी अभी उसके बारे में श्योर शॉट नहीं है। आपने पहले ही कह दिया मीडिया से कि बड़ा ही टफ काम है उनसे कम्पीट करना,
लेट्स सी के होता क्या है। उसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ तो मुझे नकवी साहब का भी एक और बयान भी आ गया कि गैरी क्रिस्टन ने खुद मुहैदा तोड़ा है बल्कि हमने नहीं तोड़ा, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। गैरी क्रिस्टन तो अपने मीडिया में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात तो अगले दिन ही बयान कर दी थी कि मैं खुद छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उनसे उनके अख्तियार जो उनको दिए गए थे जब उनको हायर किया गया था और उनसे कहा गया था कि आपके अख्तियार हैं कि आप जो हैं वो सिलेक्शन में साथ होंगे, आपका वोटिंग में हाफ होगा, जब आपने वो सारी चीज़ें उनसे ले ली तो उन्होंने कहा जी मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ काम करने में। तो ये बात वहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर चुके थे और ये बात तो हम सबको पता है कि जी आपने जब उनको मना किया कि आप सिलेक्शन में नहीं होंगे तो फिर देखिए कोच और कैप्टन इन दोनों का सिलेक्शन में होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई कोच ट्रेन करेगा और कैप्टन उससे खिलवाएगा, लेकिन आपने ये दो अहम लोग जो हैं इनको बिल्कुल सिरे से आउट कर दिया, आपने बाकी लोग जो हैं उनको अख्तियार दे दिए, फिर आपने साथ में ये भी कह दिया कि जी मुशावरत होगी, माने ना माने वो सिलेक्शन कमेटी जो है वो उसका काम है, तो दिस इज़ नॉट राइट। और इसमें यह है कि फ़ख्र ज़मान के हवाले से भी जब उनसे बात की गई मोहसिन नकवी साहब से तो उन्होंने साफ कह दिया कि फ़ख्र ज़मान का जो है वो मैं तो कुछ नहीं कह सकता सिलेक्शन कमेटी। मोहसिन नकवी साहब आप चेयरमैन हैं, आप कैसे नहीं कह सकते, आप तो कह सकते हैं। और दूसरी बात यह कि फ़ख्र ज़मान से गलती हो गई, मेरे ख्याल से अब उस चीज़ को रफा दफा करना चाहिए, क्योंकि फ़ख्र ज़मान जो है वो वाइट बॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप करवाते हैं तो आप देख लीजिए कि रिजल्ट्स किस तरह के रहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी को इस तरह से निगलेक्ट करना और फिर इसलिए कि क्योंकि उसने ट्वीट कर दिया था तो उसके बाद एकदम से उसके ऊपर से हाथ उठा लेना, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अपना एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो जाएगा। क्योंकि फ़ख्र ज़मान के बारे में कहा जाता है कि जब वो मैदान में उतरते हैं तो खेलने का अंदाज ही बदल देते हैं, तो भाई जब एक खिलाड़ी आपका इतना अच्छा है तो उसको सिर्फ इस बात पे कि जी उसने बाबर आजम के लिए एक ट्वीट कर दिया, ठीक है वो जज्बाती आदमी हैं, जज्बात में आके थोड़े से हार्ड वर्ड्स उन्होंने यूज़ कर दिए, उन्हें वो बात कहनी नहीं आई, लेकिन ये इतना बड़ा कसूर भी नहीं है कि नाकाबिले माफ़ी हो जाए और आप उनको टीम का हिस्सा ना बनाएं। बहरहाल जब आपने भी इसके ऊपर से हाथ उठा लिया, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डाल दिया, आपने कहा आके जावेद जो है वो फैसला करेंगे और उसके बाद देखा जाएगा, या सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी उसके बाद जो है वो हम डिसीशन लेंगे, तो बहरहाल देखते हैं इसका क्या बनता है। इसके साथ साथ जो एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी आप सब ये कि जब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो इसमें आपको ये भी बता दें कि कौमी क्रिकेट टीम की आइंदा 3 सीरीज़ के लिए मोहम्मद मसरूर टीम के फील्डिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं, और सिर्फ बात यहाँ पर नहीं रुकती, उसे आगे भी स्पोर्ट्स की कुछ खबरें हैं और वो ये हैं कि पाकिस्तान में स्टेडियम्स का मैार आलमी सतह का किया जाएगा। ये मुझसे नकवी साहब ने कहा है आलमी सतह का किस तरह से किया जाएगा, देखें आलमी सतह का बिल्कुल मैार कीजिए, हम इससे इनकार नहीं करते, होना भी चाहिए, लेकिन टीम का मैार भी आलमी सतह का होना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी सी डेकोरेशन कर दी लेकिन उस पर परफॉर्मर्स अच्छे नहीं हैं या वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो वो जितनी भी आप आराइशें कर रहे हैं, जितना भी उसको खूबसूरत बना रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बेमायने हो जाते हैं। बहरहाल मुझे नकवी साहब का कहना है कि 15 दिसंबर तक सारे स्टेडियम्स जो हैं बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तो हम खेल के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, इनका एक स्टेटमेंट तो ये भी आ गया है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है अब वो पाकिस्तान में ही होगी। इसके अलावा एक बात मैं जो करना चाहूँगी, फ़ख्र ज़मान ने साया ग्रुप से अलहदगी अख्तियार कर ली, ये एक ट्वीट हुआ है और ये बड़ा वायरल हो रहा है और कहते हैं कि जिन्होंने अलहदगी जो इससे अख्तियार कर ली है, तो फ़ख्र ज़मान के बड़े भाई हैं गौहर, उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि फ़ख्र ज़मान आज से साया कॉरपोरेशन का हिस्सा नहीं होंगे, उन्होंने इस बात का इतराफ़ कर लिया और यही खबर जो है वो बहुत ज़्यादा मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई और लोग उससे बात करने लगे और कुछ घंटों के बाद उसे डिलीट कर दिया गया। अब डिलीट करने के पीछे वजह क्या है वो अभी तक सामने नहीं आई है। बहरहाल लास्ट में शामिल करना चाहूँगी वो ये कि नई टेस्ट रैंकिंग आ गई है जिसमें सऊद शकील ने बड़ी लंबी छलांग लगाई है और टॉप 10 में शामिल हो गए, तो ये भी एक बड़ी अच्छी सी खबर है चले। और सऊद शकील 20 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर आ गए, जबकि बाबर आजम भी 1 दर्जा तरक्की पाकर 19 से 18वें नंबर पर आ गए हैं। सऊद शकील ने हाल में ही इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 3 टेस्ट मैचों की सीरीज की 5 इनिंग्स में 1 सेंचुरी और 1 मिस सेंचुरी की मदद से 280 रन स्कोर किए और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी पाए थे।
ये था आज का मेरा एक तबसरा जो कि मैंने प्रोग्राम में शामिल किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे और आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर हो जाऊंगी एक नए वीडियो के साथ जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा। अपना बात ख्याल रखिएगा ना।